नमस्ते बच्चों, कक्षा षष्ठी विषय हिंदी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के विषय में कि व्याकरण है क्या, क्योंकि हिंदी में व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले देखिए कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, व्याकरण शब्द का शब्दायिक अर्थ है विश्लेषण करना। ठीक है, किसी का विश्लेषण करना, उसे क्या कहते हैं हम, व्याकरण। देखो, व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट करता है। ठीक है, उसकी रचना को हमारे सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसकी कुछ उदाहरणें, फिर हम आगे इसकी परिभाषा करेंगे। जैसे देखो बच्चों, मोहन खाना खाती है। ठीक है, आगे उदाहरण है, संगीता स्कूल जाता है, मेरे को पानी पिला दीजिए। ठीक है, ये सभी क्या है, उपरोक्त लिखे जो वाक्य हैं, जो मैंने बोले हैं, वो सभी क्या है, गलत है। ठीक है, और ये शुद्ध रूप इनका नहीं है। देखो अब इनका देखो, मैं साथ में शुद्ध रूप बोलूंगी, मोहन खाना खाती है, मोहन खाना खाता है, खाता क्या है इसका, शुद्ध रूप। ठीक है, संगीता स्कूल जाता है, संगीता क्या है, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है ना, तो इसके पीछे हम जाता है थोड़ी लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, जाती है। ठीक है, मेरे को पानी पिला दीजिए। ठीक है, मेरे को पानी पिला दीजिए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे पानी पिला दीजिए। ठीक है, कि देखो हमने परिभाषा देखो इसकी, कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। देखो हमने जो भी उदाहरणें की, पहले हमने उनका अशुद्ध रूप किया, फिर हमने उसको शुद्ध रूप में किया, कि व्याकरण, व्याकरण हमें जो भी हम देखो भाषा होती है उसको शुद्ध रूप में लिखते हैं जब बोलते हैं, तो उन नियमों का पालन करते हैं, तो तब हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्याकरण के जो व्याकरण है कि वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना और पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं। ठीक है, आगे है व्याकरण के तीन अंग। सबसे पहला है वर विचार, दूसरा है वाक्य विचार, और तीसरा है शब्द विचार। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे वर विचार। देखो बच्चों, वर्ण विचार वो होता है जिसके अंतर्गत वर्ण, जैसे स्वर व्यंजन, उसके भेद, उनके आकार, उच्चारण, संयोग या मेल के नियमों का विचार किया जाता है। ठीक है, इसमें वर्णों को कैसे हमने बोलना है, उसमें कौन कौन से भेद आते हैं, उनका आकार कौन सा है, उनको उच्चारण कैसे करना है। ठीक है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, वर्ण विचार में। ठीक है, आगे बच्चों, व्याकरण का दूसरा भेद है शब्द विचार। ठीक है, शब्द, अब हम बात करेंगे शब्द की। ठीक है, इसमें इस विभाग में के अंतर्गत शब्द और उसके भेद, उसकी रचना तथा रूपांतर आदि पर विचार किया जाता है, कि जो भी जैसे शब्द होते हैं, ठीक है, उनको उनके कौन कौन से भेद हैं, उनकी रचना कहाँ से हुई, उनमें कौन से वाक्य प्रयोग किए, ये सब हम किस में विचार करते हैं, शब्द विचार। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बच्चों देखो आगे हमारा अंतिम भेद व्याकरण का है वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार ये इसका तीसरा भेद है। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, विश्लेषण, रचना तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी
दी जाती है कि देखो बच्चों वाक्य कैसे बनाते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के विषय में बताता है, ठीक है। तो जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, उसकी रचना कैसे करनी है, उसका कौन सा भेद है, उसका विश्लेषण कैसे करना है, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, वाक्य विचार में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये व्याकरण हमने किया, उसका शब्दायिक अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी हमने और उसके 3 अंक पढ़े हैं। तो आप सभी बच्चों ने व्याकरण को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है और याद करना है। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।